वक्त कम है, आप बहुत लंबा सफर करके पैदल चल करके आए हैं। हम ज्यादा देर आपके बीच में अभी ये बहुत लंबी तकरीर करने का वक्त नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे हल्का तावड़ी की चेयरमैन है बहन मनीता, मैं इस शेर के साथ उनको दावत देता हूँ। हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते यूं ही रहें कायम, दुआ कीजिए ये प्यार के रिश्ते यूं ही रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक बेशक, सही फरमाया। साहब ने जो दो पंक्तियों में कही कि अगर हमारी एकता टूट जाएगी तो ये भारत टूट जाएगा, तो हम ऐसा ना होने दें। हम इस एकता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के सभी समुदाय के लोग मिलकर काम करेंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। यहाँ पर उपस्थित इमाम साहब, मेरे मदरसे से आए हुए मेरे बच्चों, पुलिस प्रशासन के सभी साथी, पत्रकार बंधु और अभी इस क्षेत्र से आए हुए सभी साथियों को आज इस तिरंगा यात्रा में जो सफलता मिली है उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो इसलिए बच्चों आज आप अपनी मेहनत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं 75वां, और इसमें हम लोग सभी अपनी भागीदारी ले रहे हैं। और जैसा कि हमारे आसपास के क्षेत्र से पिछले मैं कई दिनों से देखती आ रही हूँ कि सभी लोग इसको एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, सभी में एक अलग ही पहल है। तो आज जो हम तिरंगा इस यात्रा के दौरान अपने अपने हाथों में लेकर आए हैं, मेरी आप सभी बच्चों से सभी से गुजारिश है कि उस तिरंगा को अपने घर पर लेके जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरी देश भावना भक्ति के साथ उसे अपनी छतों पर लगाएं। और इस बात की चिंता करें कि जब हम उस तिरंगे को लगा रहे हैं तो पूरा परिवार साथ हो, जन गण मन राष्ट्रीय गान का गान हो, घरों में मिठाइयां, हम उस समय मिठाई खाएं, हम उसको ऐसे मनाएं जैसे हम होली का, दिवाली का, ईद का त्योहार मनाते हैं। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है और ये हमें बहुत अच्छा मौका हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम सभी उसको फहराने जा रहे हैं। पहला कि जैसे हम देखते आए हैं कि उसे